राम और सीता का विवाह आज से 5 दिनों के पश्चात संपन्न होगा। और हम सभी देवी देवताओं को इस विवाह में आमंत्रित करते हैं। सीता दीदी का विवाह निश्चित हो गया है। सीता दीदी का विवाह निश्चित हो गया है। सीता दीदी, सीता दीदी, आपका विवाह निश्चित हो गया है मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को। तुम्हें किसने बताया? कुछ ऋषिगण बात कर रहे थे, मैंने सुना। अब मैं राजभवन में जाकर ये शुभ समाचार बताने जा रही हूँ। सीता दीदी का विवाह निश्चित हो गया है। सीता दीदी का विवाह निश्चित हो गया है। आप सभी की अनुमति से इस विवाह में विधिकरी का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व मैं राजकुमारी उर्मिला को सौंपना चाहता हूं। अवश्य। हम सभी आपके निर्णय से सहमत हैं। उर्मिला ही विवाह की विधिकरी होगी। विधिकरी? अर्थात विवाह में दोनों पक्षों की ओर से जो सारे कार्यों को संपूर्ण कराता है उसे मिथिला में विधिकरी कहते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, मिथिला में परिवार की स्त्रियां विवाह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपितु यहां तो परिवार की स्त्रियां सम्मिलित ना हो तो विवाह की विधियां पूर्ण ही नहीं हो सकती। महाराज दशरथ ने बताया कि अयोध्या की प्रथा अनुसार तीनों महारानियां विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। ऐसे में वर पक्ष की विधियां कौन पूर्ण करेगा? करेंगे महाराज, यह हमारा सौभाग्य होगा। पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो माताओं को एक शुभ समाचार देने के लिए संदेशवाहक अयोध्या भेज दूं। खुश दीदी, जीजा श्री ने जिस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर दिए मुझे तो बहुत आनंद आया सुनकर। निसंदेह जीजा श्री शूरवीर होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी हैं और सभी अयोध्यावासी विनम्र और शालीन भी हैं। पीली हो गई।
चलो सुध कीर्ति। अशिष्टा देखी, एक बार क्षमा मांगने का प्रयास भी नहीं किया। यदि जीजाश्री के भ्राता ना होते ना तो मैं तो। भैया आपने उनके ऊपर इतना रंग गिरा दिया, क्षमा तो मांग लेते। मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था शत्रुघ्न, मैं इतना स्तब्ध हो गया था कि क्या सोच रही होगी वो। लक्ष्मण ने एक बहन के प्राणों की रक्षा करके अयोध्या का मान रखा, कुल का मान रखा। मैंने क्षमा ना मांग के अब जो हो गया सो हो गया भाई, अगला अवसर मिलते ही क्षमा मांग लीजिएगा। देवर ने क्या किया? मेरे देवर ने? तुम हंस क्यों रही हो? मैं बताती हूँ दीदी। दीदी पूजा के लिए जा रही थी कि ये क्या किया आपने? पहली बार तो मानवी दीदी इतनी सुंदर लग रही थी, तुम्हें भी बना दो सुंदर। दीदी ये सब आपके देवर की भूल है। पर मुझे ये तो बताओ कि कौन से देवर की? आपके और दो देवर जो अयोध्या से आए थे, उनमें से जो बड़े वाले थे वही देवर। भरत? हाँ वही। दीदी उन्होंने मेरी पूजा की थाली उलट दी। क्या ऐसे होते हैं अयोध्या के लोग? शत्रुघ्न मैंने देखा उन्हें, अपमानित होकर लौट गई वो। अब जाकर भाभी को बताएंगे, अपने पिता को बताएंगे, क्षमा भी नहीं मांगी। हाँ हाँ सत्य कह रहे हैं भैया, क्या सोचेंगी अयोध्या के बारे में? क्षमा तो मांग सकते थे ना। लक्ष्मण किससे क्षमा मांगने की बात हो रही है? तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, और वो भी उस दुष्ट के लिए। मांडवी बहुत अच्छी है, तुम्हारी ओर से मैं क्षमा मांग लूंगा। नहीं भैया आप क्यों क्षमा मांगेंगे? राम भैया तो अभी से ही अपने ससुराल वालों का पक्ष लेने लग गए हैं। क्यों भरत भैया, सत्य कहा ना मैंने। दीदी तो अभी से ही अयोध्यावासी हो गई हैं। देखिए कैसे अपने देवर का पक्ष ले रही है। जब दो परिवार एक होते हैं तो दो प्रांत, दो स्थल और दो देश भी एक हो जाते हैं। मिथिला और अयोध्या अब अलग कहाँ, वे तो सदा के लिए एक हो चुके। ये लो तुम चारों जहां मिल जाओ वहाँ कोई भी कार्य होने से रहा। चलो सीता की हल्दी की तैयारियां करनी है या नहीं? राजकुमार राम, महाराज दशरथ और सभी ऋषिगण आपके हल्दी संस्कार के लिए तैयार हैं। को वहां बुलाया है। जी अवश्य। राम नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु माता कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैं तो शुभ समाचार लेकर आया था। प्रभु राम और माता सीता की हल्दी विधि की अद्भुत तैयारियां चल रही है मिथिला में। और पार्वती उसमें सम्मिलित होने का हठ भी कर रही है। हल्दी में? प्रभु मैंने समझाने का प्रयास किया,
यह उचित नहीं होगा। विवाह में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था हमने, इसी बात पर रुष्ट हो गई हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रभु, निर्णय तो विवाह में सम्मिलित होने का ही हुआ था। देवर्षि नारद,